केतकी पर लग रहे हैं घिनौने इल्ज़ाम। दरअसल केतकी तैयार होकर घर से बाहर जा रही थी कि तभी एक घर में फोन आता है, जहां वो केतकी को लेकर कोई उल्टी सीधी बातें करता है। शाम को 8 बजे आ जाओ। अरे मसाज के लिए और किसके लिए? केतकी बोल रही हो ना? अच्छा से रिलैक्स तो कर दोगे ना? अच्छा टिप दूंगा। टिंग। एक घंटे की मसाज का कितना लोगी? केतकी भाभी है? ऐसे में दादी नाराज हो जाती है और उसे खरी खोटी सुनाकर फोन कट कर देती है। लेकिन दूसरे ही पल सुषमा केतकी के पास पहुंच जाती है और उससे उल्टे सीधे सवाल करने लगती है। अभी अभी कालिंदी जी इधर आ जाएंगे। वहीं सुषमा की बात से चिढ़ जाती है केतकी और वो भी सुषमा को मुंह तोड़ जवाब देकर घर से चली जाती हैं। पर ये सारी बातें सुनकर साधना और कालिंदी को काफी मजा आ रहा था। शाम को 8 बजे आ जाओ। नहीं सुषमा जी, लाइन है, किस लिए? आ जाओ। सुषमा भी केतकी से नाराज हो जाती है और इस बेइज्जती का बदला लेने की बात करती है। अब देखना होगा कैसे सुषमा लेती है इस बेइज्जती का बदला। एंड फॉर मोर सच टेलीटाउन अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद जय शोबिज़।